गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की जो है मैं थोड़ा एनर्जेटिक सा होकर आई हूँ कि आज बहुत अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करेंगे, वो भी ईद के लिए। थोड़ा हैवी लुक होगा क्योंकि मैं जो है, मुझे कोई कह रहा था कि आप ना जो भी लुक क्रिएट करते हैं ना, आप मतलब बहुत लाइट करती हैं, मतलब कैजुअल होते हैं इस तरह के आप क्रिएट करते हैं, थोड़ा जो है ना ज़्यादा हैवी भी किया करें। सो आई थॉट चलें आज जो है थोड़ा हैवी करते हैं, तो लेट्स बिगन द वीडियो। और आप लोग बताइएगा आप लोग की जो है वो तैयारी होगी ईद की सारी, और किसने क्या क्या लिया आप लोग लाजमी बताइएगा। अभी जो है मैं अपना पाउच खोल रही हूँ जिससे मैंने मेकअप करा, मैंने कुछ भी नहीं निकाला, अभी जो है मैं खोल रही हूँ। सो मैं खोल के वापस आती हूँ जी। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली है, तो मुझे ना यहाँ पर एक ना अपना न्यू कंसीलर मैं लाई हूँ, जो वो भी ये देखे मेरे मैं नहा के नहीं ली थी, तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो ये देखें जी, ये एक कंसीलर है, ठीक है, इसके एक साइड पे कंसीलर और एक साइड पे इसका ना ये पफ है, ये मतलब लूज सा ना पफ है। सो आज ना हम ये ट्राई करते हैं ये कैसा है कैसा नहीं। मेरे शेड से बहुत ज़्यादा जो है ना ये लाइट है, बट फिर भी हमें जो है ना, अब मैं ले आए हैं तो इसे ट्राई करते हैं हम। मैं ना हेयर बैंड लगा लेती हूँ ज़रा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखो कितना लाइट है मेरे शर्ट से, कंसीलर देखे मैंने कैसे लगाया, मतलब क्या करती हूँ। और इसके जो साइड पे जो पफ है, अब हम इसे जो है ना ब्लेंड करते हैं टैप टैप करके। ये पफ जो है मतलब अच्छा है, नो नॉट बैड, बट ये सबसे अच्छा होता है किस चीज़ के लिए, जैसे हमारा कंसीलर आता है ना इधर ब्लेंड करने वाला, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ से मेरा अच्छा ब्लेंड है। अब जो है मैं इसे पफ से भी एक दफ़ा जो है ना वो कर, पफ से नहीं इससे हल्का हल्का जरा है ना, ब्लेंड कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम अपना लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेते हैं, लूज़ पाउडर, ठीक है। प्रोडक्ट्स में इसलिए नहीं मेंशन करती क्योंकि जिसको जो पसंद हो वो अपनी मर्ज़ी से जो है अप्लाई कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो मतलब जो प्रोडक्ट्स इधर यूज़ हो रही हो वही करेंगे तो ये लुक अचीव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन अब जो है ना हम आईब्रोज कर लेते हैं, ठीक है। आईब्रोज हमारी डन हो गई है, अब हम मेकअप की तरफ चलते हैं। तो अब जो है ना मेरे सूट में जो जो कलर है वो मैं आपको शो करती हूँ, नेक्स्ट अब हम मेकअप की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है हमारा मेकअप। सबसे पहले इस तरह का फ्लफी ब्रश ले लेना आपने, ठीक है, उसे जो है ना स्किन सा शेड लेके ना जो आपकी स्किन टोन का ही हो वो आपने अप्लाई कर लेना, ताकि जो भी कलर आप अप्लाई करें उसे जो है आपका कलर उठ के आए, मतलब वाइट के अपना थोड़ा ठीक नहीं मिल सकता, सारी जगह जो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। डाना देखिए हम अब येलो शेड आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट जो है मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि फिर घर में शोर हो रहा था, तो उस तरह जो है आपने लास्ट क्लिप में जो है देखा होगा कि सही आवाज़ नहीं आ रही, सो आई थॉट कि अब जो है ना वॉइस ओवर ही कर दूँगी बाकी का। हालांकि मैंने बोल बोल के पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन अब जब मैं
चेक करें तो जो है नहीं ठीक आई। देन जो है आपने इस तरह का फ्लफी सा ब्रश है ना उसके ऊपर जो है जिंक और ग्रीन जो शेड होता है ना वो मिला के आपने वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। डार्क ग्रीन और जो है जिंक शेड जो होता है उसे मिला के अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मिला क्रीज पे अप्लाई करना और क्रीज से ऊपर ऊपर जो है ना उसे अप्लाई कर देना है। देन जो है आपने स्किन कलर लेना है और उसको जो है आउटर कॉर्नर के साथ जो आपका ग्रीन था आपने उसके साथ जो है उसे ब्लेंड कर देना है अच्छे से, ठीक है। आउटर भी जो है ऊपर भी और नीचे भी अब जो है अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। देन ब्लेंड करके हम वापस आते हैं। जी नेक्स्ट जो है अब आपने बाकी के आई पे जो है अपना रेड जो है शेड अप्लाई कर देना है। रेड मेरा यहाँ पे आई शेड है ना डार्क पिंक वो लग रहा है लाइट इश्यूज़ की वजह से। सो हालांकि जो है मेरे सूट में भी रेड है और मैंने अप्लाई भी रेडी किया था। ये कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा जो शिमरी शेड होता है ना वो अप्लाई कीजिएगा, वो बहुत ही खूबसूरत उठ के आएगा आपका शेड। सो जी यहाँ पे जो है हमने रेड शेड अप्लाई कर लिया है। देन जो है इसको जो है हल्का हाथों से जो है ना आपने ब्लेंड करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना आपने, बस हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का सा जो है ना इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और अपनी पूरी आईज़ पे जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो है हमारा ये रेड शेड अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जो है आप मैंने जो है यहाँ पर लेंजेज अप्लाई करने हैं। अब जो है मैं लेंजेज अप्लाई कर लेती हूँ, पहले लेंजेज अप्लाई करके फिर वापस आते हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैंने लेंजेज भी अप्लाई कर लिया और अपनी दूसरी आंख की जो है वो फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँ कि जो है फाइनल लुक जो है मैंने ये वाला मेकअप लुक किया था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, रियल में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सो यहाँ पर जो है ना बाकी का मेकअप जैसे जैसे मैंने किया वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था लेंजेज की वजह से और आई पेंसिल जैसे आपको पता है पहली आई आंखों मतलब पहले भी जब मैं अप्लाई करती हूँ अपनी आंखों में तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे जो आज भी मैंने जब अप्लाई किया दूसरी आंख में तो एक में ऑटोमेटिकली दूसरी में खुद ही आ गया, ठीक है। तो अब जो है हम अपना बाकी का मेकअप लुक करते हैं। देन जो है आपने क्या करना है पैलेट शेड लेना है और वो जो है अपनी अंडर आइज़ पे लगा देना, मतलब कि आइज़ के नीचे नीचे जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो है वो अप्लाई कर लेते हैं देन वापस आते हैं। जी पैलेट कलर जो है अब अप्लाई हो चुका है। अब आप कोई भी शिमरी शेड अपने हिसाब से ले लें। यहाँ पे जो मैंने गोल्डन लिया है और जो है अपने ऊपर पॉइंट पे और इनर आई पे जो है मैंने अप्लाई कर दिया है गोल्डन शेड, इससे जो है ना आंख बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी लुक आई थी। देन जो है नेक्स्ट जो है हम आई लाइनर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मुझे लगा था मेकअप का लुक कम्प्लीट हो गया है। देन जो है मस्कारा मुझे लगा था सिर्फ मस्कारा रह गया, लेकिन जब मैंने दूसरी आँख पर गौर किया तो आई लाइनर भी मैंने अप्लाई था। हालाँकि इस मेकअप लुक की सारी लुक ही जो है मेरी आई लाइनर से आई थी, फिर भी मैं आई लाइनर भूल गई वाइक्रा। सो अब जो है हम अपना जो है वो मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी चीज़ें बार बार घूमी जा रही थी, मैं वही उनको ही ढूंढी जा रही थी, मेरी चीज़ मस्कारा कहाँ गया, ब्रश कहाँ गया, लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो है 36R जो है ये मस्कारा जो हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें जो मैंने जो है ना शेड चेक करने के लिए जो रेड वाला था कि कैमरे में ठीक आ रहा है कि नहीं है, इसने अपने चीक्स पे लगा के चेक किया था कि कैमरे में ठीक आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो है हम जो है आई लाइनर अप्लाई करते हैं। अब जो है मतलब ऑन कैमरा मेरे से इतना सही नहीं अप्लाई होता, लेकिन आज फिर भी मतलब अच्छा हो गया था। सबसे पहले जो आपने इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देन जो है आपने सारा जो है ना आउटर आई से जो है आपने मोटा सा जो है अप्लाई करना है और इनर आई से जो है बिल्कुल बारीक सा जो है ना लाइन जो बिल्कुल बारीक सी लाइन हो वो अप्लाई करनी है, ठीक है। इससे जो है आपकी आँख भी जो है वो खुली खुली लगती है। यहाँ से मैं कैमरे से बाहर हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ध्यान से मस्कारा अप्लाई कर रही थी कि मतलब ना ठीक तरीके से लगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कैमरे में देख के अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैंने कहा वापस सेल्फी मिरर पे इससे पहले कि तो कोई ब्लंडर मार दे। देन जो है यहाँ पे आई लाइनर जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो अब जो है हम आई लाइनर अप्लाई करते हैं देन वापस आते हैं। Thank you.
जी तो आँख का मेरा लग गया। अब जो है मैंने इनर आईज इनर कॉर्नर से भी थोड़ी सी नोक जो है वो बाहर निकाली है लाइनर की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आँख का मेरा पानी नहीं रुक रहा था, इस वजह से जो मैंने ना इस पर इतना वो किया भी नहीं किया। वहाँ का मेरा ब्रेक लगा था, यहाँ का थोड़ा सा मोटा हो गया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब इतना तो चलता है ना यार कि मेरी आँख से पानी निकला तो इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे, ठीक है ना। तो हमारा लास्ट स्टेप से जो है फाइनल वो है मस्कारा, जिससे हमारे लुक उभर के बाहर आ जानी है। तो जी यहाँ पे जो है हम मस्कारा अप्लाई कर रहे थे। मैं ऑफ कैमरा ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने सब कुछ ऑन कैमरा किया है बाई करा। सो यहाँ पे जो है मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया अच्छे से। मैंने जो है ना इनर कॉर्नर की साइड पे जो आई लैशेज है वहाँ पे मैंने लगाया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में बताया कि आउटर साइड पर आप ज़्यादा लगाएं मस्कारा और इनर साइड पर ज़्यादा लगाएं तो इससे आपकी आँख खुली खुली लगती है, ठीक है। इसी वजह से जो है मैंने इनर साइड की मैं आई लैशेज पर लगाया नहीं है। आप राइट और लेफ्ट दोनों आइज पर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि बाकी इसने नहीं लगाया, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादातर लोग वो मेरी वीडियो देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, यार सब्सक्राइब कर दो, कौन से आपके पैसे लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, मतलब लाजमी तौर पर करना है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो ऐसे ही वापस चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, भाई मेहनत लगती है भाई हमें, मतलब मेहनत का हमें रिवॉर्ड यही मिलेगा ना कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें। तो यार कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।